हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लिटरल, LITERALS, लिटरल्स। सो लिटरल्स क्या होते हैं, इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं बात कर लेता हूँ टोकन की। सो हमने देखा था कि टोकन हमारे पांच तरीके के होते हैं। सबसे पहला कौन सा, कीवर्ड, देन सेकंड आइडेंटिफायर, देन थर्ड लिटरल्स, then fourth operators and then fifth punctuators, right? तो keyword और identifier को हमने last video में देखा था और उसके पहले वाले video में मैंने बात किया था token क्या होता है। इस video में हम बात करने जा रहे हैं literal के बारे में और अगले video में मैं operator और punctuators के बारे में बात करूँगा। तो जब भी मैं कुछ बताता हूँ तो साथ में डेफिनेशन भी लिखता रहता हूँ, तो आप चाहो तो मेरी इस जावा सीरीज के जितने वीडियोज हैं उनसे आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लिटरल्स क्या होता है, LITERALS। सो अगर लिटरल का मैं डेफिनेशन लिखूँ, सो लिटरल्स आर दी फिक्स्ड वैल्यूज that do not change during the execution of program, that do not change during the execution of program, during the execution of program. So literals ऐसे values होते हैं जो कभी change नहीं होते, right? और इसीलिए literals को हम constant भी बोलते हैं जो कभी change ना हो। सो डेफिनेशन में लिखा हुआ है जो कभी चेंज ना हो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में, उसी को हम लिटरल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे डबल कोटेशन में हमने लिखा हेलो, तो ये भी एक लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल। कोई नंबर हो गया 8, ये भी एक लिटरल है। कोई पॉइंट वाला नंबर हो गया 3.2, ये भी एक लिटरल है। अगर सिंगल कोटेशन में कुछ लिखा है जैसे ए कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ये भी एक लिटरल है। जैसे ट्रू, सो ये भी एक लिटरल है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि लिटरल क्या होता है, जो कभी चेंज ना हो, जो वेरी ना करे, राइट? अब लिटरल्स पांच तरीके के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ लिटरल्स, सो लिटरल्स आर ऑफ फाइव टाइप्स, लिटरल्स आर ऑफ फाइव टाइप्स। अब ये पांच कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा इंटीजर कॉन्स्टेंट। इंटीजर लिटरल भी हम बोल सकते हैं और लिटरल कॉन्स्टेंट सेम है, तो इंटीजर कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। सेकेंड होता है हमारा रियल कॉन्स्टेंट। थर्ड होता है हमारा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। थर्ड होता है हमारा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। फोर्थ होता है हमारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। एंड फिफ्थ होता है हमारा बुलियन कॉन्स्टेंट, राइट? सो ये पांच तरीके के हमारे कॉन्स्टेंट अवेलेबल हैं, लिटरल्स अवेलेबल हैं जावा में। अब हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं इंटीजर कॉन्स्टेंट की, राइट? सो इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या होता है? सो सब लोग इंटीजर जानते हो, कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट ना हो, यानी हमारे सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जैसे प्लस 4, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 1, फिर 0, एंड देन सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर जैसे माइनस 1, माइनस 2, ऐसे इन्फिनिटी तक। कोई भी नंबर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या 0 हो, अगर उसमें पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर कॉन्स्टेंट बोलेंगे। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब इंटीजर कॉन्स्टेंट हमारा फर्दर तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा? तीन नंबर सिस्टम में बटा हुआ है अलग अलग। सबसे पहला है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और थर्ड है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो डेसिमल, डेसी का मतलब होता है 10, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में सिर्फ 10 डिजिट होते हैं, 0 से 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 सिस्टम भी बोलते हैं, बेस 10 सिस्टम भी हम बोलते हैं, राइट? सो याद रखना। ऑक्ट का मतलब होता है 8, सॉरी
ऑक्ट का मतलब 8 होता है. सो ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ 8 डिजिट होते हैं, 0 से 7 तक. काउंट कर लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 से 7 तक सिर्फ 8 डिजिट. और इसीलिए इसको हम बेस 8 सिस्टम भी बोलते हैं, बेस 8 सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सो हेक्स का मतलब होता है 6, डेसी का मतलब 10, टोटल 16. तो इसमें 16 डिजिट होते हैं. ओके, तो 16 डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 से 9 तक 10 डिजिट ए हो गए, और उसके बाद ए से एफ तक. अब तुम बोलोगे यार ए बी सी डी ए डिजिट थोड़े ही है. हाँ, डिजिट नहीं है, बट हेक्साडेसिमल में हम ए से एफ तक को ए बी सी डी ई एफ, इन 6 लेटर्स को अपर केस में हम डिजिट कंसीडर करते हैं, राइट. सो बेसिकली हमारा अगर मैं ऐसे लिख के दिखाऊं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद हेक्साडेसिमल में होता है ए जो 10 के इक्विवेलेंट होता है, देन बी 11 के इक्विवेलेंट, सी 12 के इक्विवेलेंट, डी 13, ई 14 और एफ 15. सो आई होप समझ में आ गया होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और इसमें टोटल डिजिट कितने हैं, 16. इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 16 सिस्टम भी बोलते हैं, राइट. सो हमारा इंटीजर कॉन्स्टेंट हो गया. अब एक चीज याद रखना कि इसीलिए जावा प्रोग्राम में तुमने देखा होगा कि कोई वेरिएबल है, अगर इसके अंदर हमें इंटीजर स्टोर करना है, इंटीजर लिटरल को, इंटीजर कांस्टेंट को, जैसे 10, तो x के पहले हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल के पहले int, मतलब अपने वेरिएबल को हम बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर हम इंटीजर लिटरल स्टोर करेंगे, राइट. int के अलावा इंटीजर के लिए और डेटा टाइप 3 यूज होते हैं, बाइट यानी int की जगह बाइट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट यानी शॉर्ट का भी यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग इसका भी यूज कर सकते हैं. तो ये डेटा टाइप पूरा अलग टॉपिक है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. सो चलते हैं सेकंड लिटरल पे. हमारा दूसरा लिटरल है जिसको हम बोलते हैं रियल लिटरल या फिर रियल कांस्टेंट या फिर रियल नंबर. सो रियल कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट हो. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सो 5.36 एक रियल कांस्टेंट है, 0.0016 ये भी एक रियल कांस्टेंट है. सो कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट हो उसको हम रियल कांस्टेंट बोलते हैं. अब इसमें अगर हम 5 की बात करते हैं, सो 5 को हम कहते हैं होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट. ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट. और जो हमारा ये पॉइंट के बाद वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, राइट. सो आई होप समझ में आ गया रियल कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट हो. अब रियल कांस्टेंट को शो करने का दो तरीका है, ठीक है. देयर आर टू वेज टू राइट टू नोटेशन, वी कैन से नोटेशन TAT फॉर रियल कांस्टेंट, फॉर रियल कांस्टेंट. अभी दो नोटेशन कौन से हैं, जो पहला नोटेशन है उसको हम बोलते हैं डेसिमल नोटेशन, डेसिमल नोटेशन TATION, एंड जो सेकेंड नोटेशन है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन NOTATION. सो डेसिमल नोटेशन क्या होता है, कोई भी नंबर जैसे नॉर्मली हम पॉइंट वाले नंबर्स को लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं डेसिमल नोटेशन. जैसे कोई नंबर है 3.6, ये डेसिमल नोटेशन में लिखा है. अगर कोई नंबर है 0.005, ये भी डेसिमल नोटेशन में लिखा है. कोई नंबर है सपोज 0.00000000068, ये भी डेसिमल नोटेशन में है. एक और कोई नंबर लेते हैं 1500000001, ये भी डेसिमल नोटेशन में है, राइट. बट एक चीज यहाँ पे देखो, इसको मैं सॉरी यहाँ पे 8 के पहले 0 रहेगा, 1500000, मतलब 0 के बाद फिर 0.81, राइट. सो ये सारे नंबर डेसिमल नोटेशन में है. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप इस नंबर को नोटिस करो या फिर इस वाले नंबर को नोटिस करो, तो डेसिमल नोटेशन में नंबर्स बहुत बड़े हो जा रहे हैं. अगर किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नंबर्स को बार बार लिखना पड़े तो हालत खराब हो जाएगा. तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन आया कि ऐसे नंबर्स को जो बहुत ज्यादा बड़े हैं और उनमें पॉइंट है उनको हम कैसे मिनिमाइज कर सके.
तो अगर हम इस नंबर की बात करते हैं, पहले वाले नंबर की बात करते हैं, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल रोटेशन में कैसे लिखेंगे? हमारे जो पॉइंट है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, किसी भी एक नॉन जीरो डिजिट के बगल में। तो यहाँ राइट साइड में देखो, सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट 6 है, तो यानी 6 के बगल में शिफ्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने पॉइंट को कितना डिजिट मूव करना होगा? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 6 को लेके 10, 10 डिजिट मूव करना होगा। तो फाइनली ये नंबर होगा 6, 6 के पहले जितना जीरो है छोड़ देंगे, 6 के बगल में पॉइंट आ गया, 8 इंटू बेस होगा 10 और पावर जितना डिजिट तुमने मूव किया है, कितना मूव किया है 10 डिजिट, तो 10। अब अगर डिजिट को हमने मूव किया है राइट में तो पावर होगा हमारा नेगेटिव में, और यही डिजिट अगर लेफ्ट में मूव होती यानी इस साइड, तो पावर होता पॉजिटिव में। तो अभी हमने राइट में मूव किया है डिजिट को, तो ये पावर माइनस में होगा। इसी को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन, राइट। अब जैसे इस नंबर को लिखते हैं हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो यहां पे हमारे डिजिट को कहां मूव करना होगा, लेफ्ट साइड में। तो कितना मूव होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट, क्योंकि अगर लेफ्ट में देखोगे तो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो 5 के बगल में, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू, अब 5 के बाद जितने जीरो है हटा दो और ये जो 8-1 है इसको भी छोड़ देंगे, 10 टू द पावर, कितना मूव किया है 9 डिजिट, बट लेफ्ट में मूव किया है तो माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा 9। अगेन ये है हमारा, यही है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ये जो इनटू के पहले 1.5 या 6.8 है इसको बोलते हैं हम मेंटिसा, मेंटिसा। ये जो 10 है इसको बोलते हैं हम बेस, और ये जो 9 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, राइट। अब इसमें एक और, इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग ई और कैपिटल ई। सो इस सेम नंबर को हम लिख सकते हैं 1.5 और जो इंटू 10 है उसकी जगह हम लिख सकते हैं ई, चाहो तो लोअर केस में ई लिख दो, और जो पावर है वो ई के बगल में आ जाएगा। तो इसको ऐसे और शॉर्ट कर सकते हैं। अगर वापस इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल है 1.5 और जो हमारा ई है ई की जगह आ जाएगा इंटू 10 और जो ई का पावर है 9 वो चला जाएगा ऊपर। अब अगर इस वाले नंबर को देखो, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 6.8 इंटू 10 की जगह क्या आ जाएगा, लोअर केस में ई लेते हैं इस बार, ई और माइनस 10 इसके बगल में, माइनस 10। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि रियल कांस्टेंट क्या होता है और जो रियल कांस्टेंट के दो नोटेशन है, डेसिमल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, वो क्या होता है, राइट। तो अब रियल कांस्टेंट के बाद थर्ड है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट, हमारा थर्ड है कैरेक्टर, हाँ सॉरी, मैं रियल कांस्टेंट में एक चीज बताना भूल गया, अगर किसी भी वेरिएबल में रियल कांस्टेंट स्टोर करना है, जैसे y एक वेरिएबल है, सपोज इसमें 3.6 स्टोर करना है, तो y के पहले हम लिखेंगे डबल, डबल या फिर फ्लोट भी लिख सकते हैं, FFLOAT। सो डबल और फ्लोट रियल कांस्टेंट के लिए यूज होते हैं। जावा में अगर किसी वेरिएबल में पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना है तो उस वेरिएबल के पहले या तो डबल लिखेंगे या तो फ्लोट लिखेंगे। ओके, सो अब हम मूव करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट पे। सो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, बहुत सिंपल है, अगर कोई भी एक सिंबल सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है तो उसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 एक इंटीजर कांस्टेंट है क्योंकि ये नंबर है, पॉइंट नहीं है इसमें, बट इसी 1 को अगर हम सिंगल कोटेशन में लिख दें तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। कुछ भी अगर सिंगल कोटेशन में स्पेस भी है तो ये भी क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर सिंगल कोटेशन में कोई लेटर लिखा है ए, ए भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। कोई भी सिंबल, अगर हिंदी वाला क भी मैंने लिख दिया सिंगल कोटेशन में तो ए भी कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। इवन अगर हमारा प्लस है, ए भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। कोई भी एक सिंबल, अब मान लो तुमने सिंगल कोटेशन में लिख दिया प्लस माइनस एस्ट्रिक ए, कई सारे तुमने सिंबल्स दे दिए, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, एक ही सिंबल हो सकता है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। अब मान लो कोई वेरिएबल है, राइट, जैसे सी एच एक वेरिएबल है, इसमें तुम्हें कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करना है, जैसे यही ए, तो सी एच के पहले क्या लिखेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए हम कैर का यूज करते हैं। अगर किसी वेरिएबल में तुम्हें कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करना है तो उस वेरिएबल का पहले कैर लिखेंगे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं
स्ट्रिंग कांस्टेंट की। जो हमारा फोर्थ है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। सो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? अगर कोई भी सीरीज ऑफ, सिंपल स्ट्रिंग कांस्टेंट का डेफिनेशन होगा सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स रिटन अंडर डबल कोटेशन QUOTATION। जैसे मान लो वन है, वन मैंने क्या बताया था, अगर सिंगल कोटेशन में लिखा है तो कौन सा कांस्टेंट हुआ? कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर ये सिंगल कोटेशन में नहीं है तब तो इंटीजर कांस्टेंट होगा, बट इसी वन को अगर डबल कोटेशन में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। बस कैरेक्टर कांस्टेंट से अलग कैसे है कि यहां डबल कोटेशन होगा, और दूसरा यहां पे डबल कोटेशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर तुमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, सो ये भी क्या हो गया? हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। कुछ भी तुम डबल कोटेशन में लिख दो, 2, 3, 5, A, B, C, तुम पूरी कहानी लिख दो, वो पूरा स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखो जब भी हमें कुछ प्रिंट करना होता है, जैसे system.out.println, और हमें कोई मैसेज देना होता है, जैसे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको स्ट्रिंग उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, फिर जो भी डबल कोटेशन में है जावा प्रिंट कर देता है। सो अब अगर तुम्हें किसी वेरिएबल में, मान लो तुम्हें किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर करना है, सपोज जैसे एक हमारा वेरिएबल है str, और इसमें तुम्हें स्ट्रिंग कांस्टेंट जैसे हेलो स्टोर करना है, hello, तो str के पहले क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग के लिए जो हमारा डेटा टाइप है उसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का s अपर केस में होगा, बाकी सारे डेटा टाइप लोअर केस में थे, बट स्ट्रिंग का s अपर केस में होगा। सो क्लियर हो गया? अगर किसी वेरिएबल में इंटीजर स्टोर करना है तो वेरिएबल का पहले int, किसी वेरिएबल में पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना है तो उसके पहले डबल या फ्लोट, किसी वेरिएबल में कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करना है तो उसके पहले कैर, और किसी वेरिएबल में अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर करना है तो उसके पहले स्ट्रिंग। बस स्ट्रिंग में s अपर केस में होगा। लास्ट कांस्टेंट है हमारा जो फिफ्थ है, उसको हम बोलते हैं बुलियन कांस्टेंट। अब बुलियन कांस्टेंट जावा में दो ही है, हर लैंग्वेज में दो ही है। पहले का नाम है ट्रू, ट्रू का टी अपर केस में होगा, और दूसरे का नाम है फॉल्स। ये दोनों कीवर्ड्स में आते हैं, राइट? तो बुलियन कांस्टेंट दो ही है। अब सपोज कोई वेरिएबल है हमारा बी, अगर इसमें कोई बुलियन कांस्टेंट स्टोर करना है, जैसे फॉल्स स्टोर करना है, तो बी के पहले क्या लिखेंगे? बुलियन कांस्टेंट के लिए जो डेटा टाइप है उसका नाम है बुलियन, BOOLEAN, राइट? सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि लिटरल क्या होता है। पांच तरीके के होते हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ। इंटीजर कांस्टेंट, मतलब जिस नंबर में पॉइंट ना हो, रियल कांस्टेंट, ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट हो, कैरेक्टर कांस्टेंट, कोई भी एक सिंबल अगर सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स रिटन अंडर डबल कोटेशन, इवन अगर डबल कोटेशन के बीच में स्पेस भी है तो वो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, लास्ट बुलियन कांस्टेंट, दो ही होते हैं ट्रू और फॉल्स। सो आई होप लिटरल क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो सही लगा, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।